हेलो एवरीवन वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी दिस इज़ अंकिता सोद एंड आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में नेचर ऑफ टीचिंग से रिलेटेड टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि एन टी ए यू नेट पेपर वन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कैसे हम उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं लेक्चर so, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यू जी सी ने ट्वेंटी ट्वेंटी टू का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम थर्टींथ फ़रवरी एंड इस बैच की स्पेशलिटी ये है कि हम पेपर वन का कम्प्लीट सिलेबस सिर्फ नाइन्टी डेज में कवर करेंगे जिसमें हम थ्योरी लेक्चर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हेल्प से सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे एंड इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के बाद हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आप पेपर वन में इजीली 90 प्लस स्कोर कर सकते हो एंड हमारी डेली पेपर वन की क्लास होती है सुबह दस बजे एंड शाम को नौ बजे दैट इज़ कंप्लीट इन इंग्लिश एंड एग्ज़ाम से पहले दो से तीन बार हमारा एंटायर सिलेबस जो है वो रिविजन हो जाएगा तो ये कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है तो so, अगर आप थर्टीन फेब्रवरी से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगा ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट दैट इज आपको पे करना होगा सिर्फ वन फाइव डबल नाइन एंड ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो तो so, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज बाय द टीचर टू यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शनल एड्स होती है निर्देशात्मक सहायता होती है वो एक टीचर क्यों यूज करते हैं ऑप्शन आर टू ग्लोरीफाई द क्लास ग्लोरीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दिखने में या फिर उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाना ठीक है तो क्या क्लास को अच्छा दिखने या क्लास की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है दूसरा ऑप्शन बोलता है अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स तो क्या एक टीचर जो अपने एफ़र्ट्स डालता है वो एक स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डालता है तीसरा ऑप्शन बोलता है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट यानी कि टीचर जो कुछ भी क्लास में पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट लर्नर को अच्छे से समझ आ जाए ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सो नेक्स्ट ऑप्शन है इंश्योर डिसिप्लिन यानी कि अपनी क्लास में अनुशासन बनाए रखने के लिए टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शनल एड्स का यूज करते हैं ठीक है थीके? तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी ऑप्शंस हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि क्लास में ठीक है एक टीचर है एक स्टूडेंट है एक लर्नर है तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टीचर पढ़ाए एंड जो भी पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट एक्सेप्ट करे इसमें क्लास को ग्लोरीफाई करने से रिलेटेड कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं ठीक है एंड बाकी के तीन ऑप्शन हैं एंड ये तीनों ऑप्शन जो है इंटर रिलेटेड है तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मेन कॉन्सेप्ट जो होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो होता है कि किसी स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट को हम क्लैरिफाई कर दें दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू एंड फोर जो है इससे रिलेटेड है कि अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही साथ में स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे टीचर की ओर एंड डिसिप्लिन भी क्लास में अपने आप बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग यानी कि कौन कौन से यहाँ पे कथन है जो कि टीचिंग के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं ठीक है बुनियादी विशेषताएं हैं पहला बोला गया है कि टीचर जो टीचिंग जो है वो ट्रेनिंग की तरह होती है ठीक है क्या टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस है आप लोग फटाफट से इस चीज़ को सोच सकते हो हमने प्रीवियस सीरीज में इसको डिस्कस किया है जहां पे हमने थ्योरी लेक्चर देखे थे ठीक है सेकेंड ऑप्शन है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग व्हेन वी टीच ठीक है तो यहाँ पे बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन और कंडीशनिंग ये दोनों कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है तीसरा ऑप्शन बोलता है कि टीचिंग जो होती है वो लर्निंग से रिलेटेड होती है नेक्स्ट ऑप्शन है कि टीचिंग एक टास्क है ठीक है टीचिंग एक काम है एंड जबकि लर्निंग को बोला गया है कि एक उपलब्धि है टीचिंग को बोला जाता है कि इंफॉर्मेशन हम देते हैं आप लोगों को ठीक है एंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में बोला गया है एंड कि एक पर्सन जो है वो पढ़ा सकता है विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस यानी कि कोई सीखे भी ना पढ़ा सकता है तो क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टीचिंग ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या है ठीक है तो so, पहले मैं आपको बता दूं कि टीचिंग क्या होता है टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग अ पर्सन विथ थोरेटिकल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट यानी कि टीचिंग एक स्टूडेंट को एक पर्सन को हम सिखाते हैं कि इस काम को कैसे करना है ठीक है ट्रेनिंग क्या होता है ट्रेनिंग होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है किसी पर्सन की स्किल्स को नॉलेज को या फिर उनके एटीट्यूड का डेवलपमेंट करने के लिए ठीक है तो यहाँ पे बोला गया है कि टीचिंग और ट्रेनिंग सेम होता है या नहीं होता है ठीक है तो ये सेम नहीं होता है ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग सो तो इंस्ट्रक्शन होता है किसी को ऑर्डर देना एक तरह से कि किसी को बताना कि किसी काम को हम कैसे करें जैसे मैं आपको बोलूंगी कि आप लोग यू जी सी नेट के लिए ऐसे ऐसे पढ़ सकते हो मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी सिर्फ आपको बताऊंगी दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन डिशनिंग होता है मॉडिफाई करना किसी पर्सन के बिहेवियर को ठीक है इसको हम लोग बिहेवियरल प्रोसेस भी बोलते हैं तो इन इधर बोला गया है कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टीचिंग जो है वो लर्निंग से रिलेटेड है yes ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है जो टीचिंग है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो ठीक है आपको पढ़ाते हुए मैं भी बहुत चीज़ें सीख रही हूँ ठीक है तो ये टीचिंग और लर्निंग जो होती है ये एक दूसरे से हमेशा रिलेटेड होती हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर वन एंड टू जो है वो बिल्कुल हमने यहाँ पे रिमूव कर देना है ठीक है वन एंड टू इसमें है तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे सेकेंड ऑप्शन इसमें भी है एंड फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी है ठीक है सो तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं टीचिंग क्या है एक काम है ठीक है जबकि जो लर्निंग है ये एक अचीवमेंट है येस ठीक है टीचिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना ठीक yes, है टीचिंग मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन यस हम इंफॉर्मेशन देते हैं वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस ठीक है तो इसका राइट right आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर टू दैट इज वन फोर एंड सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई की टीचिंग बिहेवियर्स विच हैव बीन ऑब्जर्वड टू बी कॉन्ट्रीब्यूटिव टू इफेक्टिवनेस ठीक है तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे कौन से मुख्य शिक्षण के व्यवहार हैं जिनको हमें सेलेक्ट करना है जिन्हें इफेक्टिव टीचिंग में योगदा करता, योगदान करता योगदानकर्ता के रूप में माना जाता है ठीक है तो कौन कौन से है जो कि कॉन्ट्रीब्यूटिव हैं, जिससे कि टीचिंग को हम इफेक्टिव बना सकते हैं प्रभावशाली बना सकते हैं तो पहला है लेसन क्लैरिटी यानी कि जो टीचर है वो जो पढ़ा रहे हैं अगर उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी टीचिंग अच्छी होगी ठीक है दूसरा बोला जाता है प्रोबिंग प्रोबिंग का मतलब होता है जांच करना अगर हम किसी चीज़ की जांच पड़ताल अच्छे से करते हैं तो बोला जाता है कि ये इफ़ेक्टिवनेस होती है ठीक है नेक्स्ट है टीचर टास्क ओरिएंटेशन ठीक है टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो भी टीचिंग हम कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना नेक्स्ट होता है स्टूडेंट सक्सेस रेट कि जितने परसेंट स्टूडेंट पास होंगे जितना वो स्कोर करेंगे वहां से कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस है उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं उसको हम पता लगा सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी कि अगर हम लोग तरह तरह की तरीक़ों से आपको पढ़ाने की कोशिश करें जैसे आज मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ हो सकता है कि कल मैं अपना मैथड चेंज करूँ अगर मुझे लगता है कि ये मैथड इफेक्टिव नहीं है तो हम क्या करते हैं अपने मैथड को चेंज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल वेराइटी नेक्स्ट ऑप्शन है यूजिंग स्टूडेंट आइडिया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो हमें कोई आइडिया देते हैं कि मैम आप इस तरह से पढ़ाओ तो अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो क्या ये एक कॉन्ट्रीब्यूट कॉन्ट्रीब्यूशन uh, देता है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में या नहीं देता है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक टीचर को लेसन की क्लैरिटी भी होनी चाहिए ठीक है टीचर टास्क ओरिएंटेशन भी होना चाहिए स्टूडेंट सक्सेस रेट अगर नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट मेरे पास हो जाते हैं इसका मतलब है कि मेरा टीचिंग मेथड बहुत ही अच्छा है ठीक है नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी ठीक है सो तो यहाँ पे अगर हम देखें वन थ्री फोर एंड फाइव ठीक है तो वन थ्री फोर एंड फाइव दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड ठीक है सो यानी कि शिक्षण की जो गुणवत्ता होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है रिफ्लेक्ट होती है किस तरह से बाय द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास यानी कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं अगर मान लीजिए दस में से दस स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या हम बोलेंगे कि टीचिंग मैं जो करती हूँ वो क्वालिटी टीचिंग है दूसरा है बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट यानी कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है तीसरा है बाय द क्वालिटी ऑफ़ क्वेश्चंस आस्क बाय द स्टूडेंट्स यानी कि किस क्वालिटी के किस लेवल पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है इसको बोला जाता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग नेक्स्ट है बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन द क्लास यानी कि क्लास में कितनी शांति बनी रहती है कितना मौन रहते हैं स्टूडेंट्स इससे क्या मेरी टीचिंग की क्वालिटी को पता क्वालिटी का पता चलता है या नहीं चलता है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि टीचर किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं यानी कि अगर टीचर क्वेश्चंस अच्छे पूछते हैं इसका मतलब है कि उन्होंने पढ़ाया भी अच्छा होगा ठीक है तभी ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है इसको कंप्लीट माना जाता है ठीक है तभी टीचिंग की क्वालिटी को हम लोग इफेक्टिव मानते हैं सो so, यहां पे राइट right आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण से रिलेटेड जो उसकी प्रकृति है और जो उसके उद्देश्य है वो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है फर्स्ट ऑप्शन है कि टीचिंग और लर्निंग जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड होती है एक दूसरे से संबंधित होती है दूसरा ऑप्शन बोलता है कि टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता तो ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है टीचिंग और ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस होते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट ऑप्शन है कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज़ टू इन्श्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स यानी कि जो भी स्टूडेंट होते हैं अगर हम उनको कुछ पढ़ा रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है वो ज़रूर होते हैं अगर वो अच्छे से उस चीज़ को समझ रहे हैं ठीक है सो नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर ये बोलते हैं कि जो भी फॉर्मल टीचिंग होती है सिर्फ वही अच्छी होती है इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक टीचिंग अच्छी नहीं होती है तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है ठीक है अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन क्या टीचर सिर्फ सीनियर हो सकता है जूनियर भी हो सकते हैं हमसे छोटी उम्र के लोगों से भी हम बहुत चीजें सीख सकते हैं तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है यहां पे बोला गया है कि टीचर एक सोशल टीचिंग एक सोशल एक्ट है एंड लर्निंग जो है एक पर्सनल एक्ट है मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये क्या है ये एक सामाजिक कार्य है एंड लर्निंग एक पर्सनल एक्ट क्यों बोला जाता है क्योंकि आप लोग अपनी आपकी अपनी कैपेसिटी है कि आप लोग कितना सीखना चाहते हो कितनी आप लोग लो लर्निंग चाहते हो दैट इज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट ठीक है सो गिवन क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो राइट right आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर एफ ठीक है सो ए सी एफ दैट इज करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री हमारा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टीचिंग स्ट्रेटेजीज विच आर इम्प्लॉय ड्यूरिंग इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ठीक है सो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू कौन सी हम लोग स्ट्रेटेजीज को इम्प्लॉय कर सकते हैं पहला है एम्फेसाइजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एग्जाम्पलर्स ठीक है यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो होता है उन उदाहरणों के साथ हम लोग बच्चे को उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करें अगला बोलता है प्रेजेंटिंग द स्टीम्युलस मेटीरियल ठीक है स्टिम्युलस मटीरियल क्या होते हैं ये होते हैं किसी भी तरह के इमोशन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग उन चीजों को समझाने की अगर कोशिश करते हैं नेक्स्ट आता है इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन देखिए पूछताछ के तरीके के थ्रू हम लोग जो है पढ़ा सकते हैं नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग आस्किंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक फीडबैक का मतलब होता है कि उनका जो है हम लोगों ने दृष्टिकोण लेना है हम कैसा पढ़ा रहे हैं क्या स्टूडेंट्स को वो चीजें पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं दैट इज कॉल्ड फीडबैक नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ठीक है यानी कि किस तरह से हम किसी समस्या का समाधान समाधान निकाल सकते हैं उस तरह से बच्चों को सिखाना दैट इज कॉल्ड प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ठीक है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए ऐसा है कि जिसमें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जाम्पल दोनों ही देने चाहिए एक स्टूडेंट को ठीक है कुछ एक स्टूडेंट हो सकते हैं कि वो डायरेक्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे कुछ हो सकते हैं कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सेकेंड बोलता है कि स्टिमुलस ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें स्टिमुलस एग्जाम्पल्स देने हैं ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट या फिर कुछ ना कुछ इमोशन के थ्रू ही स्टूडेंट को पढ़ाएं नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट होता है प्रेजेंटिंग आस्किंग जरूरी नहीं है कि हर बार हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करें ठीक है हर बार स्टूडेंट से कुछ पूछें और फीडबैक दें ठीक है तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ठीक है इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इस तरह से प्रमोट करना है कि वो समझ जाएं कि किस प्रॉब्लम को कैसे हमें सॉल्व करना है ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो मेन कॉन्सेप्ट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ठीक है तो एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से भी ऑप्शंस को आपने ध्यान में रखना है एंड उन्हीं को घुमाकर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक तो right है तो राइट आंसर है ए C and E. That is option number D is the right answer. Next question is from the following list of statements. Select those which indicate the characteristics and basic requirement of teaching. यानी कि teaching की जो भी basic जरूरतें होती हैं और जो उसकी विशेषताएं होती हैं हमें उनको select करना है तो पहले में बोला जाता है कि teaching implies communication. ठीक है तो यहाँ पे बोला जाता है कि टीचिंग यानी कि जब हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो उसमें बातचीत बहुत जरूरी है ये दैट इज वेरी ट्रू ठीक है दूसरा ऑप्शन बोलता है कि टीचिंग जो है किसी सामान को बेचने के जैसी है तो क्या आपको लगता है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो क्या आपको लग रहा है कि मैं आपको ये सामान बेच रही हूं नो no, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन है टीचिंग मींस मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग यानी कि किसी चीज को अच्छे से मैनेज करना एंड उस चीज़ पे निगरानी रखना अब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं हम लोग निगरानी भी रखते हैं ठीक है तो ये भी एक टीचिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है अगला है हमारे पास टीचिंग एम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स कि दूसरों को अगर हम लोग प्रभावित करते हैं मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूं कि आप लोग नेट के बाद ये कर सकते हो ये ये फील्ड्स में जा सकते हो ठीक है तो ये मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूं ठीक है तो ये भी क्या है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है टीचर क्या किसी को जबरदस्ती कन्विंस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ठीक है तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास देयर कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट यानी कि जब तक हमारे पास बुनियादी ढांचे का समर्थन नहीं होगा तब तक शिक्षण नहीं हो सकता तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है ठीक है तो आप लोग डायरेक्टली डायरेक्टली अगर एलिमिनेट मेथड हम बताते ठीक है तो आप लोग इस ऑप्शन को जो है रिजेक्ट कर देते तो ये दो ऑप्शंस तो आपके पहले ही रिजेक्ट हो जाते ठीक है उसके बाद सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो ये ऑप्शन भी आप लोगों का जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा तो राइट right आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर वन दैट इज वन थ्री एंड फोर तो इस तरह से ना ये एलिमिनेशन मेथड बहुत हेल्प करता है इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट गलत लगत लगती है उन पर कैंसिल कर दीजिए एंड ऑप्शन से भी उसको रिमूव कर दीजिए ठीक है तो लास्ट में डायरेक्टली आप लोग करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ एन असेंशियल क्वालिटी ऑफ बेस्ट टीचर सो एक बेस्ट टीचर कौन होते हैं आप लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो आपके कोई ना कोई फेवरेट टीचर कोई ना कोई बेस्ट टीचर होंगे तो वो किस बेसिस पे होते हैं पहला है कि किसी टीचर को अगर सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नॉलेज है तो हम उसको बेस्ट टीचर मानेंगे दूसरा है जेन्यून इंटरेस्ट इन टीचिंग कि अगर टीचर को सच में पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो वो टीचर दिखती सी बात है बहुत अच्छा पढ़ाएँगे ठीक है तीसरा ऑप्शन है लैंग्वेज फ्लुएंसी कि अगर कोई टीचर की भाषा उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है तो क्या वो टीचर बेस्ट टीचर होंगे नेक्स्ट है गुड प्रेजेंटेशन कि उनको पढ़ाने का नॉलेज नहीं है लेकिन वो किसी चीज़ को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं स्टूडेंट उस चीज़ को समझ जाते हैं तो ये चार ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस में आप लोगों को सभी जो है लग रहे होंगे कि यस ये भी हो सकता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट को ढूंढना है चारों अगर आपको एक्टिव लगते हैं तो आपको बेस्ट ढूंढना है अपने एंड पे नहीं जनरल पब्लिक के एंड पे कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे ठीक है तो यहां पे राइट right आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर टू दैट इज जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग अगर टीचर को मान लीजिए कि सब्जेक्ट का नॉलेज है लेकिन वो पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है उनको पढ़ाना आता ही नहीं है तो क्या वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा नहीं बन पाएंगे ठीक है वैसे ही लैंग्वेज उनकी बहुत अच्छी है वो बहुत अच्छे से बोलते हैं लेकिन उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है सो so वो इम्पॉर्टेंट नहीं है चीज़ें फिर ठीक है गुड प्रेजेंटेशन अगर उनको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो प्रेजेंटेशन भी अच्छी कैसे देंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरेस्ट आप लोग भी अगर देखें अगर आप में से सबको इंटरेस्ट है टीचिंग में तभी आप लोग आगे जाकर अच्छे टीचर बन सकते हो अदरवाइज वो जबरदस्ती का काम हो जाता है जिसमें कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर शुड आइडेंटिफाई डैश एंड टीच अकॉर्डिंगली तो टीचर को सबसे पहले स्टूडेंट में क्या चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए किसी लर्नर की इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि उसके जो आर्थिक स्थिति है फाइनेंशियल कंडीशन जो है क्या उस वो इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं दो स्टूडेंट्स हैं दोनों में इंडिविजुअल दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग हैं एक स्टूडेंट अगर स्टडीज में अच्छा है तो दूसरा स्टूडेंट्स में भी डांस में अच्छा हो सकता है ठीक है सो ये होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पेरेंट्स उनके पेरेंट्स की क्या आर्थिक स्थिति है या फिर ऑल ऑफ द अबाब तो किस बेसिस पे टीचर को एक स्टूडेंट को जज करना चाहिए उसको पढ़ाना चाहिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फाइनेंशियली कोई कैसा भी हो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट उनके पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट तो ये जो है अपने आप एलिमिनेट हो गया राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू ठीक है सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमने डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया है ठीक है तो दो बच्चे हैं एक स्टडीज में अच्छा है एक डांस में अच्छा है ठीक है तो हम क्या करते हैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते ये एक टीचिंग का बेसिक रूल होता है तो मे बी ये स्टडीज में आगे जाके कुछ बड़ा काम करे ये डांस में आगे जाके कुछ बड़ा काम करे ठीक है तो दो स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं एंड उन्हीं डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग एक टीचर को उनको पढ़ाना चाहिए उनको जज करना चाहिए ठीक है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमंग स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर्स प्राइमरी ड्यूटी इज तो क्या होनी चाहिए एक टीचर की प्राथमिक कर्तव्य टू रेज इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट यानी कि उनकी बुद्धि इंटेलिजेंस लेवल को उनके इनक्रीज़ करना रेज करना दूसरा ऑप्शन है टू इम्प्रूव फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट ठीक है यानी कि उनके शारीरिक मान को फिजिकल physical, फिजिकली एक स्टूडेंट को जो अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो क्या एक टीचर की प्राइमरी ड्यूटी वो होती है तीसरा ऑप्शन बोला गया है टू हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कि हर एक फील्ड में चाहे वो स्टडीज हो डांस हो बेसिक कम्युनिकेशन हो किसी भी फील्ड में अगर हम स्टूडेंट की डेवलपमेंट करते हैं क्या ये एक अच्छी टीचिंग क्या ये एक प्राइमरी ड्यूटी होती है टीचर की नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है टू गिव मोर एंड मोर होमवर्क टू द स्टूडेंट्स ठीक है तो जितना ज़्यादा कई टीचर्स ये होते हैं ना कि जितना ज़्यादा हम स्टूडेंट्स को होमवर्क देंगे उतना अच्छा वो पढ़ेंगे ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल गलत होता है तो यहां पे अगर आप लोग देखो इंटेलेक्चुअल सिर्फ इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाने से भी कुछ नहीं होता ओवरऑल डेवलपमेंट जरूरी होती है ठीक है तो यहां ऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है तो ये थे हमारे आज के टॉप टेन क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कि आप लोगों ने टेन में से कितना स्कोर किया है तो इसके साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पेपर वन के साथ पेपर टू का भी कंप्लीट कोर्स हमने रिसेंटली रिलीज किया है फॉर द सेशन जून 2022 एंड इस कंप्लीट कोर्स की फी है रुपीज़ फाइव थाउजेंड जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स विद पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नोट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ पी जिसमें कि टॉपिक्स टॉपिक सब, सब कुछ इंक्लूडेड है महा मैराथन सॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ पी सिक्सटी प्लस मॉक टेस्ट है जिससे कि एग्जाम में आप लोगों की बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो सकती है एंड ये कंप्लीट कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वन ईयर एंड सिर्फ अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक एंड नोट्स लेना चाहते हो तो आपको पे करना होगा रुपीज वन थाउजेंड ओनली ठीक है एंड अगर पेपर टू का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हो तो आप लोगों को पेपर वन का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री हम प्रोवाइड करवाते हैं तो आप लोग ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो so i hope you like the session thank you so much for watching this video